In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to discuss about 24th May important news. Here in the first news, we have seen that the finance minister of the country is giving confidence to or asking them to be not fearful for the following government organizations. Aur kiske liye baat kar rahi hai le? Banking organizations ko bata rahe ki you should not be fearful about थ्री सीज, कौन से सीज की बात कर रहे हैं? सीबीआई, सीवीसी एंड कैग. तो क्या होते हैं ये तीन ऑर्गेनाइजेशन और इनका डर जनरली क्यों लगता है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं. क्योंकि जनरली देखो, वेन एवर एनी बैंकिंग ऑफिसर और बैंक पर से गिव्स लोन्स टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन और से कंपनी और बिजनेस, अगर इन फ्यूचर that particular person or organization is not able to return its money, ठीक है, तो default कर जाता है. तो in that particular case, उस particular particular case को investigate किया जाता है, and if they find out कि any particular person has not followed the due procedure while granting loan to this particular person or organization, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो. ठीक है, तो ये कार्रवाई करने के लिए ये तीन ऑर्गेनाइजेशन जनरली काम करते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये विजिलेंस के अंडर काम करेगा, है कि नहीं, ये इकोनॉमिक प्रूडेंस है कि नहीं ये चेक करेगा, ये कोई क्रिमिनल इंटेंशन है कि नहीं ये चेक करेगा. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लास्ट डिकेड में अगर आप देखोगे तो एनपीए के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, है कि नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दिस एनपीए इश्यूज, लॉट ऑफ बैंकिंग ऑफिसर्स आर नाउ अंडर स्ट्रेस कि अगर लोन दे तो बाद में फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं लोन दे तो गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि आपको लोन देना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग लॉट ऑफ मॉनिटरी एंड फिस्कल रिलेटेड इनिशिएटिव्स. इसीलिए देखो, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज कमिंग फॉर एंड गिविंग देम कॉन्फिडेंस कि पर्टिकुलरली दिस पोस्ट कोविड पीरियड, जो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज डिक्लेयर किया है 21 लाख करोड़ के आसपास वाला, उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो क्रेडिट रिस्क गारंटी स्कीम एक शुरू किया है. ठीक है, या उसमें आप बोल सकते हो कि कोई भी एमएसएमई के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपीज का उन्होंने एक पैकेज रखा है, जिसमें एमएसएमईज पर्टिकुलरली विदाउट कोलैटरल कैन ask for loans, और जो loans उन्होंने पहले लिए हैं उसको वो continue कर सकते हैं, renew कर सकते हैं, उसके accordingly और loan ले सकते हैं. तो ऐसा loan देते हुए कोई भी banking officers को in future अगर वो case default करता है individual और organization, तो कोई भी banking officer को tension लेने की ज़रूरत नहीं है, because government has already given a guarantee कि if that particular company fails to give back the money, the government will pay back to the bank. Hence, the banking officers or infrastructure is not under the tension. ठीक है, आगे जाते हैं. यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है. After teething troubles, free pulses distribution picks up. किसके बारे में यहाँ पे बात करनी है उनको? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे डिटेल में उन्होंने दिया है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उन्होंने डिक्लेयर किया. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, अन्न योजना है एंड देयर इज डिफरेंट स्कीम नोन एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ठीक है, जिसमें डिटेल पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किया है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, सेक्शंस के लिए सोसाइटी के. अन्न योजना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने क्या इंश्योर किया था कि जो भी पर्टिकुलरली से वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको फूड सिक्योरिटी का टेंशन नहीं आना चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो भी फूड ग्रेन्स उनको प्रॉमिस किए गए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज पर पर्सन 5 kgs, और अगर बड़ा फैमिली होगा और बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी लेवल के नीचे होगा तो उनके लिए 35 kgs पर ग्राम पर से हाउस होल्ड, तो उससे एडिशनल आपको दिया जाएगा फूड ग्रेन, दैट इज 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन पर रेशन कार्ड एंड 1 kgs ऑफ पल्सेस पर हाउस होल्ड. नाउ फूड ग्रेन में तो प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज वी हैव इट एम्पल क्वांटिटी, बट पर्टिकुलरली फॉर द पर्पज ऑफ पल्सेस,
देयर वॉज प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज वेरी फ्यू पीपल वेर एबल टू रिसीव. देखो यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज भी दिया है कि 10% फैमिलीज ओनली गॉट दिस पर्टिकुलर इन द अप्रैल मंथ जब उन्होंने ये लॉन्च किया था. अभी मई मंथ खत्म होने का आया है तो उसमें उनको दिख रहा है कि अबाउट 61% गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सडन इशू लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा ज्यादा डेवलप नहीं था, तो दिस हैज क्रिएटेड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. बट नाउ व्हाई देयर इज अ पर्टिकुलर फोकस ऑन द पल्सेस, बिकॉज पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन एंड इंडिया डू फेसेस प्रोटीन हंगर. ठीक है, प्रोटीन हंगर मतलब क्या, फूड ग्रेन्स एक्चुअली टॉक अबाउट आप बोलोगे तो कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर फोकस है. ठीक है, लेकिन प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ह्यूमन बॉडी नीड्स अदर इंग्रेडिएंट्स आल्सो, लाइक से प्रोटीन which is actually the building block of any living cell, then needs vitamins, need minerals. तो भैया ये देना, pulses देना जरूरी था, तो उसके लिए उन्होंने अभी provision किया है and मई महीने में it is considered as considerably streamlined. ठीक है, आगे जाते हैं next news की तरफ. Now see, this particular medicine के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो. ठीक है, now this medical medicine is particularly being tested for this coronavirus remdesivir. ठीक है, तो ये जो actually medicine है, this is already been you can say been used as a medicine against actually Ebola virus and then MERS. What is MERS? Middle East respiratory syndrome and SARS. SARS क्या होता है? Severe respiratory syndrome. तो MERS and SARS actually are caused by the different strains of coronavirus only, and hence there is a higher chance or greater probability that this remdesivir jo ye drug hai that will be helpful in the recent covid 19 wala scenario. theek hai, to uske liye alag alag jagah pe trials bhi chal rahe hain. abhi ye united state mein chal raha hai. ठीक है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ए सॉलिडेरिटी ट्रायल. इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिस्कशन लिया है पिछले लेक्चर्स में, आप जाके इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, आगे जाते हैं. नाउ वेरी गुड न्यूज अबाउट आवर प्रिपरेशन, दैट देयर इज अ डिस्कशन अगेन ऑन द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. ये है देखो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर इसका नया नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो क्या है ये इनिशिएटिव और पर्टिकुलरली इसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप उसका आंसर लिखने का ट्राई करो, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन में ये सारे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल ऑल्सो वी विल ट्राई टू कवर. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन आज बना दिया. देखो, व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, व्हाट आर द कंसर्न्स इंडिया हैव विद दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अबाउट 150 वर्ड्स में लिख देना. ठीक है, जीएस 2 में ये आपको पूछा जा सकता है, आईआर में. ठीक है, ऑलराइट, तो आप लोगों ने आंसर लिखा होगा, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं. तो देखो, पहले ये मैप निकाला. ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आप मैप निकालोगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने पर्टिकुलरली कौन सी चीजें इस मैप में दिखाने की कोशिश की है, जिसके ऊपर जाके हम लोग आगे आंसर में बात करेंगे. तो देखो भैया, अफ्रीका दिखाया है, ये यूरोप है, यहाँ पे ये सेंट्रल एशिया है, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, ये इंडियन ओशन है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कलर लाइन जो है, दैट इज गोइंग थ्रू लैंड रूट, दिस इज एक्चुअली एंशियंट सिल्क रूट. ठीक है, इसीलिए उसको सिल्क रोड बोला जाता है. और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई गई है, दैट इज गोइंग थ्रू द वाटर बॉडीज ओशंस. ठीक है, सो इट इज कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज कोस्टल एरिया, और यू कैन से पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो ये लिखने के बाद वी विल स्टार्ट अवर आंसर विद द थिंग दैट कि वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज उन्होंने ऐसे पूछा है. तो बेल्ट एक्चुअली सिग्निफाइज द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो लैंड रूट हम लोगों ने बनाया था. एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इट कनेक्ट्स द अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना टू यूरोप थ्रू सेंट्रल एशिया. तो देखते हैं, देखो कंपैरिजन करके यहाँ पे
क्या दिया है उन्होंने, ये जो चाइना का पार्ट है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये जो चाइना का पार्ट है दैट इज कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड, एंड ये जो चाइना का पार्ट है दैट इज कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है। तो जो अंडर डेवलप्ड पार्ट है येलो कलर में आपको मैंने जो दिखाया है, उसको उन्होंने कनेक्ट किया है यूरोप के साथ, पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप आप बोलो, थ्रू द सेंट्रल एशिया, एंड जो डेवलप्ड पार्ट है इंडस्ट्रियल पार्ट है तो उसको आपको उन्होंने डेवलप किया है अब जो स्पीडली डेवलपिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है एंड सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज के साथ थ्रू मैरिटाइम रूट उन्होंने उसको कनेक्ट किया है। और उसको वैसे उन्होंने क्यों कनेक्ट किया है, उसके पीछे उनका रीजन क्या है, तो देखते हैं। नाउ दिस चाइनीज प्रोजेक्ट्स विथ मोर देन 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इज फोकसिंग अपॉन टू इंटीग्रेट द चाइनीज इकोनॉमी विथ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कैसे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगे, तो दे आर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, रेल, उसके साथ गैस पाइपलाइन, इंटरनेट, हाईवेज, ये सारे उसमें कनेक्टिविटी में देंगे, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, दे कैन प्रोक्यूर द रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ वेरी यू कैन से स्पीडी, क्योंकि रेल एंड लैंड रूट उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया है, एंड आपको पता है कि रोडवेज या रेलवेज से आप मैरीटाइम या ओशन रूट से बहुत ज़्यादा स्पीड से, जल्दी से कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो आप बहुत कम पैसे में एंड कम टाइम में रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, एंड यू विल प्रोड्यूस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट एट योर प्लेस, बिकॉज यू आर हैविंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, चाइनीज हैव इट, एंड देन यू विल ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड हेंस यू विल अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चाइनीज इकोनॉमी एज अ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प चाइना टू परस्यू इट्स फ्यूचर यू कैन से एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल पावर, एंड हेंस दीज रूट्स गिव देम डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल लीवरेज टू परस्यू दिस पर्टिकुलर एम्बिशन। इन दिस परस्यूट दे हैव ऑलरेडी अप्रोच टू डिफरेंट कंट्रीज, एंड अगर आपको देखा होगा तो इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम इटली एंड ग्रीस हैज बिकम पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दीज आर वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज दैट हैव बीन पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रॉम द यूरोप, ठीक है। दिस चाइनीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इंडिया अलॉन्ग विद देम फॉर दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बट इंडिया इज नॉट बींग पार्ट ऑफ देयर प्रोजेक्ट बिकॉज इंडिया हैज इट्स ओन कंसर्न्स। तो क्या क्या कंसर्न्स है इंडिया के, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिख देते 4 कंसर्न्स है। तो बिकॉज इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग द इंडियाज सोवरनिटी, कैसे चैलेंज कर रहा है, देखो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दैट इज पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड हेंस इट इज चैलेंजिंग इंडियाज सॉवर्निटी। सेकंड, इट इज एनसर्कलिंग इंडिया विथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द नेबरहुड कंट्रीज। तो दो चार एग्जांपल देंगे, पाकिस्तान में ग्वादार है, ठीक है, और श्रीलंका में हंबनतोता प्रोजेक्ट है, वैसे उन्होंने म्यांमार एंड बांग्लादेश में भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना हैज शोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, बट रिसेंटली दे हैव डिप्लॉयड मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रोटेक्ट दिस प्रोजेक्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां पे तो उन्होंने अपना खुद का सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय कर दिया, तो फ्यूचर में दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल बी यूज एज ए मिलिट्री बेस फॉर चाइनीज ट्रूप्स, दैट इज वॉट इंडिया इज कंसर्न अबाउट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख सकते इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डेप्ट ट्रैप्ड, ठीक है, एंड दैट इज वॉट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज अबाउट, जो ऊपर उन्होंने दिया है कि रिसेंट पीरियड में क्या हो रहा है, जो जो कंट्रीज के साथ BRI प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली से श्रीलंका का एग्जाम्पल हम लोग लेते, तो हंबनतोता पोर्ट डेवलप किया चाइना ने श्रीलंका में, तो जो वहां पे इन्वेस्टमेंट लगा उसके लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्मेट में चाइना हैज गिवन मनी टू श्रीलंका, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड COVID-19 का सिचुएशन, लॉट ऑफ कंट्रीज आर डिफॉल्टिंग ऑन द पेमेंट्स एंड से इंटरेस्ट टू बी गिवन टू चाइनीज। नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग चाइना
to give some moratorium or wave off some type of their loans and activities. So Chinese are thinking about restructuring their loan in some way or another. But point is that this is going to be a debt trap for this particular countries. And agar aap future mein jaake dekhoge, to these concerns will be very, very serious challenges for all these countries. But for particularly India, agar hum log likhenge, because the question is asking so, ki India and this China ke beech mein jo mutual trust deficit hai, and in recent period of time हम लोगों ने देखा कि border issues and this COVID 19 वाला issue के वजह से जो bilateral relation tension में आ गए हैं, this is creating more say concerned situation for India to look for this particular issue. ठीक है, तो this is the way you can explain this particular question, है कि नहीं? तो क्वेश्चन जिन्होंने भी नहीं लिखा होगा, फिर अभी भी आप लिख सकते हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और लिख के हम लोगों को हमारे ये वाले टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो, यूनिक डिस्कशन पे. ठीक है, और इसके चैनल के ऊपर आपको बाकी की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे MCQs, करंट अफेयर्स के नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो सी ऑन देयर इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स डिकोडेड. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. थैंक यू. Bye-bye. Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.